विदिशा जिले के ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के दहलवाड़ा से एक महिला ने एसपी से गुहार लगाई है। पति की मौत पर गांव के कुछ दबंगों पर आरोप लगाया। पुलिस द्वारा सही बयान न लिखे जाने का भी आरोप महिला ने लगाया है। 31 मई को दिलवाड़ा निवासी मोहर सिंह हिरबार की मौत हुई थी। मृतक के 4 बच्चे थे। परिवार के गुजर बसर पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दहलवाड़ा में रहने वाले मोहर सिंह हिरबार की मौत हो गई थी। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जाहिर करते हुए गांव के ही गौरव और धर्मेंद्र पर आरोप लगाए थे। मृतका की पत्नी माया बाई ने एसपी को लिखित ज्ञापन देते हुए बताया कि 31 मई को यही दोनों व्यक्ति उनके पति को टाली भरने की कहकर लेकर गए थे, लेकिन रात भर वह नहीं आए। बाद में मालूम हुआ कि उनके पति की मौत हो गई। उन्होंने इसमें हत्या की आशंका जाहिर करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बताया गया कि मृतक घर में कमाने वाला एकमात्र शख्स था और उसके 4 बच्चे हैं। ऐसे में उनकी गुजर बसर पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए मृतक की पत्नी माया बाई ने क्या कहा। दिलवाड़े की मिले नहीं आए थे उनके पति। कौन आए? गौरव धर्मेंद्र। दो कुछ भी बात नहीं थी ऐसे ही ले गए। वो कौन समाज है? दांगी रख। आप? एहरवा। कब की घटना है? मंगलवार 8 बजे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बाकी कार्रवाई कछु होए। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 4 बच्चे। वहीं हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए उनके परिजनों ने देखिए क्या बताया। मैं ग्राम बड़ा खड़ी रहता हूँ। ये कौन है और क्या मुकदमा है? ये मेरी साली है। तो ये बोल रही थी मेरे से कि इनके पटेल ट्राली भरवाने के लिए मेरे हस्बैंड को लुवा ले गए। तो जब रात भर वो नहीं आ, 10-1 बजे तक तो जगी नहीं। जब रात भर नहीं आते तो इनके जेठ से कहाँ है वो? तो इनने सवेरे इन्हें तो ये बताया गया कि वो ख़त्म हो गए। तो कहना वो लोग कह रहे हैं क्या डीजल चलाने आया था, बल्कि इनका कहना है कि उनकी ट्रालियों को लाखों रुपये का अनाज बेच के नकद केस उनके घर देता था। क्या कार्रवाई चाहते? कार्रवाई सर यही चाहते कि इसके अब बच्चों का पालन पूर्ण कैसे हो, कमाने वाला तो वही था। सर किसकी ट्रालियाँ थी और किसके इधर काम करते थे? आपके का क्या है? पटेल को गौरव और धर्मेंद्र की बोल रहे हैं। तो किसी की गिरफ्तारी हुई है उसमें? हाँ हुई है ना सर। किसकी? अब ये मुझे जानकारी नहीं कितने लोगों को पकड़ा हुआ है। उसमें बता रहे हैं 5-6 लोग होंगे, शायद 2 को पकड़ा हुआ है। जो लेके आए थे उठा के वही लोग ले आए। काय के लिए आए? जहाँ साहब के लिए दरखास्त देने आए। क्या? कि जो इस लड़की ने बयान बताए थे वो बयान इसके लिखे नहीं गए। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।